नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें प्रमुख रूप से हम बात करेंगे कि जेपीएससी की जो नई वैकेंसी है 14 जेपीएससी की सिविल सर्विसेज की वैकेंसी, वो कब आ सकती है। आपको जैसा कि मालूम है कि जेपीएससी की फिलहाल फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ की वैकेंसी आई हुई है, जिसकी मैंने बुक लिस्ट और जो सिलेबस है उसकी वीडियो बना रखी है, आइकन डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दूंगा, और उसकी टेस्ट सीरीज भी एनालाइज प्रो ऐप में उपलब्ध है, नोट्स वगैरह में भी है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दी जाएगी। अब देखिए अभी फिलहाल क्या हुआ है, आपको जैसा कि मालूम है कि जेपीएससी की जो चेयरमैन है नीलिमा केरकट्टा जी, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, वो रिटायर हो चुकी हैं। अब एक नए जेपीएससी के चेयरमैन की यहाँ पे नियुक्ति होने वाली है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन होने वाले हैं झारखंड विधानसभा के 5 जनवरी 2025 को लगभग, ये वर्तमान जो सरकार है उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो लगभग नवंबर अक्टूबर के आसपास में, अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद ही होगा, ठीक है, 5 अक्टूबर को, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी फिलहाल जो जम्मू कश्मीर हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव है उसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो उसके बाद ही आपको यहाँ पे चुनाव होने को देखेंगे, तो हो सकता है कि अक्टूबर में घोषणा कर दी जाए झारखंड के चुनाव की, और यहाँ पे क्या लग जाए तो कोड ऑफ इलेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट जो है आचार संहिता, हो सकता है कि लगा दिया जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस चीज को देखते हुए, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, हो सकता है कि नया जो जेपीएससी का जो चेयरमैन है उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस होती है, वो ना करके एग्जिस्टिंग जो मेंबर है, क्योंकि जेपीएससी में और भी मेंबर होते हैं, उन मेंबर में से किसी एक को जेपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाए और यहाँ पे नई वैकेंसी लाई जाएगी। तो जेपीएससी के चेयरमैन में जो सबसे पहला नाम यहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है अजिता भट्टाचार्य, जो कि सुप्रियो भट्टाचार्य, जो कि सेक्रेटरी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उनकी वाइफ हैं। तो देखिए अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ कुछ भी, ऑफिशियल डेटा कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इनको बना दिया जाए या किसी अन्य को बनाया जाए, ठीक है। तो चूंकि देखिए जब एक नया चेयरमैन बनता है तो उसका एक ये रहता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, ठीक है, कि मेरे अंडर में कोई भी एक जेपीएससी की वैकेंसी निकाली जाए, ठीक है, तो कोशिश करी जाएगी, और न्यूज़ भी आ रही है कि जेपीएससी की नई वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो लगभग ये मान के चलिए, क्योंकि 29 अगस्त को यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, ठीक है, 29 अगस्त को मीटिंग होने वाली है, और उम्मीद किया जा रहा है कि जेपीएससी के नए अध्यक्ष का यहाँ पे बात उस पर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 29 अगस्त है, तो समझिए इस मंथ के लास्ट तक जो है चेयरमैन आपको दिखता हुआ दिखेगा कि कोई एक चेयरमैन बन गया है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर के बीच में आपको हो सकता है कि जेपीएससी की नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकाली जाए, ठीक है, हालांकि एग्जाम में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस में, तो उसके लिए आपके लिए दो तीन महीना है, क्योंकि देखिए उसमें इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है, जेपीएससी का एग्जाम है, हलवा एग्जाम तो है नहीं, आपको समय इसमें देना पड़ेगा, ठीक है, तो आप उसको जो है दो तीन महीने के टारगेट में फिलहाल प्रीलिम्स को रखिए, ठीक है। और आपको मालूम है कि जीएस पेपर 2 जेपीएससी की जो है मैंने ऑलरेडी उसकी नोट्स जो है एनालाइज प्रो ऐप में अपलोड कर दी है, वो भी आप जाके ले सकते हैं, या उसकी जो क्लासेस हैं वो भी कंप्लीट करवाई हुई है, वो भी जब नई वैकेंसी आएगी तो मैं वो भी जो है कंप्लीट करवा दूंगा जेपीएससी जीएस पेपर 2 की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।